और अब बताते हैं आपको कि चंदा कैसे धंधा बन गया है। पूजा त्योहार सामाजिक समरसता को और मजबूत करते हैं। इसके आयोजन के लिए कई बार सहयोग राशि की भी जरूरत होती है, लेकिन अगर सहयोग राशि जबरदस्ती वसूली जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? जवाब बताने की जरूरत नहीं। इन कुछ ऐसा ही रिम्स में सरस्वती पूजा के नाम पर हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। किचन को थमाई गई 12,001 रुपए की रसीद। रिम्स के निजी एम्बुलेंस चालकों को थमाई गई 5,001 रुपए की रसीद। रिम्स लॉन्ड्री सर्विस को थमाई गई 11,001 रुपए की रसीद। ऑपरेशन के सामान को स्टेरिलाइज करने वाली कंपनी को थमाई गई 13,551 रुपए की रसीद। कहा गया ये चंदा है, सरस्वती पूजा का चंदा। रिम्स के जूनियर डॉक्टर करेंगे सरस्वती पूजा। अब आप सोचिए ये कैसी आराधना है मां सरस्वती की, लोगों को जबरदस्ती रसीद थमा दी जा रही है। ये चंदा है या रंगदारी है कि आप चाहो या न चाहो आपको देना ही होगा। अरे भाई, भक्ति तो श्रद्धा से आती है, जबरदस्ती थोड़ी। अब इन चंदा देने वालों की बात सुनिए, आपको इनकी मजबूरी का अंदाजा हो जाएगा। नहीं सर, प्रसाद मिलता है, मतलब कोई गया तो थोड़ा सा, जैसा जिस हिसाब से चंदा काटा गया है उस हिसाब से हम लोग को पूरा स्टाफ को मिलना चाहिए ना। और जैसे हमारा स्टाफ कोई गया है तो कोई पहचानता भी नहीं है वहाँ। नहीं, पैसा के लिए हाँ और प्रसाद के लिए नहीं। पिछले बार याद नहीं है, लेकिन 11,000 बस, 10 अभी 23,000, 23-24,000 लगभग। आपको लगता है कि 23-24,000 का? नहीं बिल्कुल, ये तो गलत है। क्योंकि एक कोई कंपनी है तो कोई कंपनी आपको पूजा के लिए मतलब जेन्युइन जो होता है पूजा के लिए, अब नॉर्मल जिसे मांगना है जो स्वच्छा से कोई दे रहा है तो ले सकते हैं आप, लेकिन अब ये तो गुंडागर्दी हो गया सर। 12,000 रुपये काटा है। 12,000 चंदा सही है जी? अब वो लोग डिमांड किया है, अपने हिसाब से यथाशक्ति दिया जाएगा उसको। पिछला बार कितना गया? पिछले बार तो हम नहीं दे पाए थे, तो मतलब गुनिया उनिया बनाने के लिए वो लोग सिलेंडर लेता है हमसे, तो एक सिलेंडर हम दे देते। उससे पहले भी यही सिलेंडर ही देते आ रहे हैं, अभी तक हम रुपया दिए नहीं है। इस बार देने के बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि पेमेंट आ जाता तो देते। आप चंदे का अंदाजा लगाइए, हेल्थ मैप, मिडॉल, सफाई करने वाली संस्था, सिक्योरिटी देने वाली संस्था, दवा दुकाने, ठेकेदार, सबसे चंदा लिया जाता है। चलो मान लिया चंदा लेते भी हो तो कम से कम ठीक से प्रसाद तो दीजिए डॉक्टर साहब। से कईयों को तो बुंदिया के दो दाने और मटर गाजर की दो फांक मिलती है, तो आखिर वो पैसे जाते कहां है? हम नहीं पूछ रहे, बेचारे ये चंदा देने वाले पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब आप सोचिएगा जरूर, कहीं आपने चंदे को धंधा तो नहीं बना लिया है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी उमेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।